नमस्कार सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि, मैं सुरेश को ट्रिपल एस सेजिटेरियस से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। 21 से 27 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सेजिटेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, फिर आप उनके बारे में क्या महसूस करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं और इसका आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में इसकी हम गाइडेंस देखेंगे। तो सेजिटेरियस आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो अचानक से बॉटम ऑफ द डेक दिखाई दिया, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो चाहते हैं कि दिल से ना सोचकर अगर दिमाग से काम लिया जाता है, क्लैरिटी के साथ काम किया जाता है, तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रिश्ता फिर से बन सकता है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो जो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि आपको सबसे पहले खुद पर फोकस करना चाहिए, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करनी चाहिए, चीज़ों को प्रैक्टिकल बनाना चाहिए चीज़ों, और एक तभी आप अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप करेंगे इसके बाद, तो एक जो है ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा और कामयाब होगा। तो इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि अपने ऊपर फोकस करें और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। अगर धीरे धीरे एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो जाती है तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। वो जो सैजी के पर्सन हैं वो सैजी के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं और अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सारा जो कार्ड्स हैं सारे पेंटिकल्स के आए हैं, यानी कि पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस रिश्ते में हो सकती है। तो जो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में जो भी पैसे की वजह से जो भी प्रॉब्लम आई हुई है, जो पैसे को आप अपने से चिपकाए हुए हैं, या फिर उसके प्रति कोई आपकी प्रॉब्लम है, डिमांड है, या किसी तरह की जो भी इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है रिश्ते को लेकर चीज़ों को, उनको पैसों के प्रति उन चीज़ों को रिलीज नहीं किया जा रहा, दिमाग से चिपका, दिल से चिपकाए हुए हैं, तो उन अगर आपको इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो उन चीज़ों से को रिलीज करना पड़ेगा। पैसों के लिए जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उसको समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दीजिए, अपने से चिपका कर मत रखिए, क्योंकि अगर आप उसको अपने से चिपका कर रखेंगे तो रिश्ते में प्रॉब्लम बनती रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं दिख रहा है, ये फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी बता रहा है कि पैसे को लेकर ही इस रिश्ते में अनबन हुई है, आना और जाना लगा रहा है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, चीज़ें ठीक नहीं हैं और इन एंड आउट की पोजीशन इसमें बन रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को, पैसे को इतना थोड़ा सा जो प्रॉपर्टी को लेकर या पैसे को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर उनको शॉर्ट आउट किया जाता है, उनको दिल से नहीं चिपकाया जाता, रिलीज़ किया जाता है, और जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं एक दूसरे पर अगर थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा कर लिया जाता है, तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत की तरफ जा सकता है। रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर समय रहते इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन के बाद अपने आप को खुद पर फोकस करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। लेकिन जो पैसे की प्रॉब्लम है, जिनको आप अपने दिल से चिपकाए हुए हैं, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना लें उन चीज़ों को लेकर, समय के साथ, फ्लो के साथ चीज़ों को बहने दें, तभी जो ये प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होगी और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर कर दी जाती है तो धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम ख़त्म होंगी और फिर से रिश्ता एक हो सकता है। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस के आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। स्ट्रेंथ,
सेजिटेरियस आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि वो इसमें डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने अंदर का डर बाहर निकाल दें और इस रिश्ते में करेज, हिम्मत और साहस के साथ अंदर का डर बाहर निकालते हुए होपफुली इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें। अगर अपने अंदर का डर बाहर निकाल देते हैं और आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ठीक हो सकती हैं, यानी कि रिश्ता ठीक हो सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड को कि ये क्यों आया है। द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो सेजिटेरियस, आप या तो खुद अपने पर्सन के लिए आप महसूस कर रहे हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और एक इसमें एक डिसीजन लेंगे, भले ही ये डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप इसमें डिसीजन लेते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो जो भी आपकी आप जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन है आपकी, जो भी दिली तमन्ना है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। और आप महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में, भले ही आप एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, एक दूसरे के साथ रिश्ता रहा है, लेकिन उन सब को भुलाते हुए अगर एक बच्चे की एक इमैच्योर एनर्जी के साथ अगर शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और आप तो जो भी प्रॉब्लम आई है उसमें, जो भी दिक्कतें आई हैं उनको छोड़ देते हैं और इनके साथ घूमना फिरना, इंजॉय करना, थोड़ा सा इनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि इस चीज़ को, पुरानी चीज़ों को भूलते हुए एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, तो सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होंगी और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसमें खुशियाँ आएंगी, इसमें बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए या फिर सैजी को ऐसा करना चाहिए। सैजी के लिए भी ये हो सकता है कि वो अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उन्हें इसमें आगे बढ़ने के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। तो आज के अब देखते हैं कि आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, जो सैजी हैं और सैजी के जो पर्सन हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि जो सैजी टेरेस के पर्सन हैं वो सैजी टेरेस से क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए उनसे, कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर वो उनके लिए क्या करना चाहते हैं। सैजी के पर्सन सैजी से क्या चाहते हैं, ये देख लेते हैं। द लवर्स, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन रही है, आमने सामने बैठकर इस रिश्ते में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, जल्दबाजी ना करें और इसमें एक डिसीजन लें, क्योंकि जो भी एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम रही है ये तो वो तभी ख़त्म होंगी जब इसमें थोड़ा सा समय लेकर, वक्त लेकर आमने सामने बातें होंगी और क्लैरिटी आएगी इस रिश्ते में, तो जो भी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी, एडिक्शन ख़त्म हो जाएंगी, चाहे वो जिस वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है, एडिक्शन वो ड्रिंकिंग की हो सकती है, स्मोकिंग की हो सकती है, गैम्बलिंग की हो सकती है, प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती है, नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती है, या वो खुद नेगेटिव हो सकते हैं। तो उन चीज़ों से जो भी प्रॉब्लम है उन्हें एक दूसरे के सामने बैठकर उन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो जो है ये रिश्ता फिर से इसमें, क्योंकि काफ़ी प्यार प्रेम है एक दूसरे के प्रति, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द लवर्स को। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस, जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में, क्योंकि वो अभी
हालांकि वो एक बिगनिंग एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत हो, लेकिन अभी उनकी इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम चल रही है, मैनिपुलेशन चल रही है, ड्रामा फाइट्स चल रहे हैं। तो वो इस वजह से उनकी जो ईगो है वो हर्ट हो रही है। तो वो चाहते हैं कि इसमें जब तक उनकी ईगो हर्ट होती है तो तब तक वो इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें, एक बैलेंस लाने की कोशिश करें। सेजिटेरियस वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी है जो बन नहीं पा रही है, जो बैलेंस नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो वो इसमें बैलेंस लाएं, एक स्टेबिलिटी लाएं। अगर दोनों तरफ से ही इक्वल प्यार प्रेम होगा, इक्वल स्टेबिलिटी होगी, पैसा होगा, मोहब्बत होगी और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और वो चाहते हैं कि वो आप जो भी इसमें ईगो है आप उस ईगो को छोड़ दें, क्योंकि अगर आप ईगो को नहीं छोड़ेंगे तो भले ही आप कि ईगो जीत जाएगी लेकिन आप इंसान हार सकते हैं, तो उन और आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस ईगो से जो भी आप जिस वजह से ये रिश्ता भारी भरकम बनता जा रहा है उन चीज़ों को छोड़ दें। और अगर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है तो उस इंसान को पहचाने और उसको बाहर करें। और इस रिश्ते में जो यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं समय के साथ फ्लो के साथ उन चीज़ों को जाने दें, बहने दें और इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करें ताकि ये रिश्ता आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके, इस रिश्ते में खुशहाली आ सके और फिर से ये रिश्ते में बैलेंस स्टेबिलिटी आ सके। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। आप देखते हैं कि सहजी आप जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जो रुक गया है आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप इसके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें। क्योंकि अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर भरोसा करेंगे, तो आपके जो आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, आपका नज़रिया चेंज होगा और जो जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में आई है वो ख़त्म होंगी। आप या तो अपना नज़रिया चेंज करें या फिर दूसरे के नज़रिए से, यानी कि अपने पर्सन के नज़रिए से दुनिया को देखें ताकि रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो आप लग रहा है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, ख़त्म हो चुका है, तो वो सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट होंगी, वो चीज़ें आपकी फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से चीज़ें ठीक होंगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, द हैंगमैन को टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफंट। तो जो सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि भले ही मतलब हालांकि आप इस रिश्ते को लेकर अभी भी प्रॉब्लम में हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन ने आपको काफ़ी दुख तकलीफ दिया है जिससे आप अभी भी उबर नहीं पा रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत हो, क्योंकि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद जो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है, वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है, तो वो एक बिगनिंग एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो इसलिए आप इस रिश्ते में एक बिगनिंग एक शुरुआत करना चाहते हैं। अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो सुबह सुबह सूर्य की किरण होती है, प्रभात की किरण होती है, वो अपने साथ एक उजाला, एक नई रोशनी लेकर आती है। तो उसी उम्मीद के साथ आप इसमें फिर से एक बिगनिंग एक शुरुआत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबल हो, आपके पर्सन के साथ फिर से स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए और जो भी प्रॉब्लम रही है वो सारी ख़त्म हो जाए। और क्योंकि आप और आपके पर्सन दोनों ही इस रिश्ते को लेकर काफ़ी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दोनों आप इस रिश्ते को आत्मिक रिश्ता मानते हैं, आप
चाहते हैं कि ये रिश्ता आत्मिक रिश्ता है, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। अगर आपके पर्सन इसमें एक समय रहते, एक बिगनिंग एक शुरुआत कर देते हैं और उसमें आप किसी गुरु मेंटोर की या किसी उस पर्सन की मदद ले सकते हैं जो इस रिश्ते के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, तो उनकी मदद से अगर उनकी हेल्प से अगर उठकर चले होंगे चलेंगे और इस रिश्ते को प्रॉब्लम होने के बावजूद भी एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो जो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद जो निखर कर आएगा ये रिश्ता, जो नज़रिया चेंज होगा, तो उसकी वजह से इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, उस रिश्ते में खुशहाली आएगी और ये रिश्ता फिर से खुशहाल बनेगा, फिर से जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएंगी और एक रिश्ता फिर से बनेगा, क्योंकि उनके बिना स्टेबिलिटी वो महसूस नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि उन्हीं के साथ यानी कि अपने पर्सन के साथ ही उनकी लाइफ स्टेबल हो और रिश्ता खुशहाल हो। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। जो इस रिश्ते को लेकर प्रॉब्लम थी, दिल टूटा हुआ था, मन टूटा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें शॉर्ट आउट इसकी होती दिखाई दे रही है, जो इसका आउटकम बता रहा है कि वो चीज़ें या तो ख़त्म होंगी या फिर हो सकता है कि अगर प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती तो नए रिश्ते की तरफ बढ़ा जाएगा। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका मतलब क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं और ये इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें सेजिटेरियस के लिए हैं वही चीज़ें उनके पर्सन पर भी लागू होती हैं, मतलब वो आपस में कोई भी एक दूसरे के लिए डिसीजन ले वो ठीक हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उनका अभी, जैसा कि मैंने कहा कि अभी वो इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या तो सेजिटेरियस या तो उनके पर्सन कोई है जो अभी भी इस रिश्ते में डटा हुआ है, उन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, वो हर्टेड है, उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, तो इसलिए वो जगलिंग फेज में है, जिगजैग कर रहे हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि जब तक वो जगलिंग फेज से बाहर नहीं निकलेंगे, जिगजैग करते रहेंगे, तो रिश्ते में प्रॉब्लम बनी रहेंगी। उनको अगर इस रिश्ते इस चीज़ों से बाहर आना है तो पहले वो रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और जो भी रास्ता उनको सही दिशा दे रहा है उस रास्ते की तरफ बढ़ें, वो इसमें जल्दबाजी ना करें और इस जगलिंग फेज से वो बाहर निकलें। और इसके लिए उन्हें सबसे पहले जो भी पैसे के लिए इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो उसके लिए वो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि सबसे पहले आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपना नेम, अपना फेम, अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, सिंगल रहते हुए अगर इस पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों पर को समझेंगे, तो जो ये प्रॉब्लम रही है, जो दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है और जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो आपके लिए आसान होगा, वो आगे आप बढ़ा पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको इसका आउटकम बता रहा है कि कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, इस पहले इस जगलिंग फेज से बाहर निकलना है और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए, अपने जॉब, बिजनेस, करियर के लिए सिंगल रहते हुए अपने पैरों पर खड़ा होना है। जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तो रिश्ता खुद ब खुद आपके पास आएगा और चीज़ें कामयाब होगी। तो इसमें यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं कि उनकी क्या मर्जी है, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाह रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड
सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्सी गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सी गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्लैरिटी लानी है, कोई ट्रूथ, कोई सच जो भी है वो अगर बाहर आ जाता है, दिल से ना सोचकर अगर आप दिमाग से काम लेते हैं, मेंटली प्रॉब्लम जो मेंटली डिस्टर्बेंस है उस चीज़ से अगर आप उभर आते हैं, और इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं हो पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो सबसे पहले उसको लाना है। दोनों एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और दोनों तरफ से ही इसमें एक इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी को लेकर आए, ताकि दोनों तरफ से स्टेबिलिटी आ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके, और जो भी प्रॉब्लम, जो भी आप इस रिश्ते को आगे बढ़ने का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो आप बेसब्री से जो इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ें ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं, जगलिंग फेज में हैं, आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, पहले आप उन चीज़ों पर फोकस कीजिए और स्टेबिलिटी लाइए, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम कीजिए कि आपको आगे रिश्ते के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आपका मन शांत हो जाता है, जब बैलेंस आ जाता है, इक्वल लगता है कि दोनों तरफ से पैसे के लिए या हर चीज़ के लिए दोनों दोनों तरफ से रिश्ता बराबर है, तो तभी आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। इसमें अभी आपको पहले बैलेंस लाने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, और उन प्रॉब्लम से निकलने की ज़रूरत है जो आपको दिक्कत दे रही है, यानी कि पैसा, प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बाधा बना हुआ है। तो उन चीज़ों को पहले शॉर्ट आउट कीजिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, और दोनों तरफ से ही बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए, तभी आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।